रांची के मोरहाबादी मैदान में लगातार 9 दिनों से धरना दे रहे सहायक पुलिसकर्मियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। सहायक पुलिसकर्मी ने बताया कि जिस तरह सरकार ने हमारे साथ छल और खून चूसने का काम किया है, लेकिन हम लोगों ने सरकार को यह दिखा दिया कि हम लोग ऐसे आंदोलनकारी हैं जो खून देने में विश्वास रखते हैं। और जिस तरह हमारे बीच की एक आंदोलनकारी गुमला के सहायक पुलिसकर्मी खून नहीं मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, तो उसी को देखते हुए सहायक पुलिसकर्मी रक्तदान कर रहे हैं। जैसे पुलिसकर्मी ड्यूटी में रहकर लोगों की सेवा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग आंदोलनरत होकर भी लोगों की सेवा ही करना चाहते हैं, और इसको देखते हुए हम लोगों ने यह शिविर का आयोजन किया है। लगातार हम लोग मंत्री लोग, विधायकगण, सभी लोगों से अपना मांग के लिए मिले जुले, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। 27 सितंबर को हम लोग फिर से मोरहाबादी को अपना न्यायालय चुना, और आज लगातार 8वें दिन हम लोग आंदोलनरत हैं। आंदोलन जो होता है ना, उसमें लोग ब्लड चढ़वाते हैं, पानी चढ़वाते हैं, लेकिन झारखंड सहायक के युवा और जो भी महिला और सहायक पुलिस हैं, वो लोग आज ये कीर्तिमान करने का हासिल किए हैं कि जो आज तक पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ। हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। देखिए, उद्देश्य चाहे जो भी हो, मकसद सिर्फ साफ है कि हम लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और राज्य में जो हमारे रक्तदान ब्लड बैंक हैं, रिम्स के ब्लड बैंक हैं, जहाँ पे हर दिन 50 से 60 यूनिट ब्लड बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, तो उनको कोपअप करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए हम लोग ये शिविर कर रहे हैं। और इस शिविर में मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे अविनाश जी, जिन्होंने आज ये इनिशिएटिव लिया। हम लोगों ने उन्हें मोटिवेट किया कि आइए, आप अगर आंदोलन कर रहे हैं तो झारखंड में क्या, पूरे इंडिया लेवल पे इस तरह का आंदोलन कभी नहीं हुआ है, जहां पे आंदोलन के साथ साथ लोग ब्लड डोनेशन की बात कर रहे हैं, तो अपने आप में एक नई